The right planning comes from knowing what to study, which means आपकी planning तभी सही है अगर आपको पता है आपको क्या पढ़ना है. And for your UGC NET exam, आपको ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी strategy क्या होनी चाहिए. आप सब जानते हैं कि अब exams में 2 महीने से कम का time रह गया है और आपकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आपको पता हो आपको क्या पढ़ना है और आपको क्या नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं एंड कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है. सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल बी टेलिंग यू ऑल दोज टॉपिक्स, ऑल दोज 12 टॉपिक्स जहाँ से आप इजिली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. यू कैन ईजिली स्कोर 70-80 मार्क्स फ्रॉम दीज टॉपिक्स अगर आप ये टॉपिक ठीक से पढ़ के जाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो इन द फर्स्ट टॉपिक वी हैव सिलॉजिज्म एंड वेन डायग्राम. सो अगर आप देखें सिलॉजिज्म से आपके हर साल क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन इनसे आता है मोस्टली. या तो आपसे पूछेंगे विच वन इज सब कॉन्ट्ररी, आपसे एक डेफिनेशन दे देंगे, आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा वाला सब कॉन्ट्ररी है, कौन सा कॉन्ट्रोडिक्ट्री है या फिर कौन सा सबवर्टन है. तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा आता है और आपको दूसरा क्वेश्चन आ सकता है आपको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना हो, या फिर आपसे पूछ सकते हैं इफ ऑल मैन आर गुड व्हाट विल बी द फॉल्स या फिर व्हाट विल बी द राइट आंसर इफ इट इज फॉल्स. अगर ऑल मैन आर गुड फॉल्स है तो इसका सही आंसर क्या है, आपसे ऑप्शंस में ये भी पूछ सकते हैं. तो आपसे सिलॉजिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन अब एग्जाम्स में जरूर आ रहे हैं. उसके बाद आपसे आता है वेन डायग्राम से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपसे पूछ सकते हैं डेफिनेशन ऑफ वेन डायग्राम. तो आप ये 2 टॉपिक्स पढ़ के जरूर जाएं जिनसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं. देन कम्स योर टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिससे आपके क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, आपसे पूछा जाता है कि रिसर्च के जो आपसे कुछ फीचर पूछ लेंगे या फिर आपसे पूछ लेंगे कि कोई एग्जांपल देख के पूछ लेंगे ये किसका पार्ट है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल किसका पार्ट है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च है दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, जिनसे आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं. देन कम्स योर रिसर्च एथिक्स, आपसे रिसर्च एथिक्स के फीचर पूछ सकते हैं, फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि PhD में कौन सा रिसर्च एथिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा इनमें से रिसर्च एथिक्स का पार्ट नहीं है और कौन सा पार्ट होता है. इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं रिसर्च एथिक्स से. देन कम्स योर थर्ड सेक्शन दैट इज कंप्यूटर डिवाइसेस. कंप्यूटर डिवाइसेस से फ्रेंड्स आपसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज इनपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, आपसे ये चीज़ें पूछी जाएंगी थ्रू ऑप्शंस. आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है. आपसे पूछ सकते हैं CPU के बारे में, CPU इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. दे कैन आस्क यू What do you call the brain of computer? आप brain of computer किसे बोलते हैं, that is CPU. आपका CPU होता है. आपसे पूछ सकते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. तो ये आपके आते हैं कंप्यूटर डिवाइसेस में. देन आपका आता है abbreviations and definitions. इसमें आपसे पूछ सकते हैं कोई भी डेफिनेशन, कोई भी abbreviation से आपको क्वेश्चन आ सकता है. दे कैन आस्क यू अबाउट WAN, आपसे पूछ सकते हैं USB की क्या है फुल फॉर्म, DBS की फुल फॉर्म क्या है. आपसे ऐसे ऐसे एब्रिवेशन आ सकते हैं आपको, या फिर एक डेफिनेशन लिख के दे देंगे. आपको पूछेंगे ऑप्शंस में ये कि ये डेफिनेशन को क्या बोला जाता है. लाइक आपसे आए हैं क्वेश्चन वायरस के ऊपर आया है, स्पाम के ऊपर आया है, आपसे फायरवॉल्स की पूछी गई है डेफिनेशन. तो आप अगर ये तीनों पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फॉर कंप्यूटर्स, यू कैन ईजिली आंसर 3 to 4 क्वेश्चंस. आपके 7 to 8 मार्क्स कहीं नहीं जाते, आपको सारे मिल जाते हैं. देन कम्स योर पीपल एंड एनवायरमेंट सेक्शन, उससे आपका आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रॉम पोल्यूशन गैसेस. आपसे यहाँ पूछ सकते हैं वाटर पोल्यूशन किससे होता है, लाइक एयर पोल्यूशन किससे होता है, सॉइल पोल्यूशन किससे होता है. गैसेस के बारे में पूछ सकते हैं कौन सी गैस से कौन सी डिजीज होती है. आपसे पूछ सकते हैं फ्रॉम एटमोसफेयर, आपसे गैसेस के बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ है एटमॉस्फेयर को लेके या फिर पोल्यूशन को लेके, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, टारगेट्स क्या क्या हुए हैं, आपसे क्वेश्चन आ सकता है. देन कम्स योर नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर से भी आपको क्वेश्चन आते हैं. लास्ट टाइम आपको ड्रॉट में क्वेश्चन आया है, फॉर इंस्टेंस दे आस्क्ड फ्रॉम अर्थक्वेक ऑल्सो. ड्रॉट हो गया आपका इसमें एक इम्पॉर्टेंट, अर्थक्वेक हो गया आपके लिए इम्पॉर्टेंट, वॉल्केनो हो गया एंड सुनामी.
तो ये चारों चीजें से आपसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ड्रॉट, अर्थक्विक, वॉल्केनो एंड सुनामी, इनसे आपके क्वेश्चन काफी आते हैं. देन कम्स योर डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आपका मोस्टली आता है टेबुलर फॉर्म में. आपको पूछा जाता है, एक टेबल आपको दी जाती है, उस टेबल में आपको, उसमें जो होती हैं आपकी सारी इक्वेशंस, आपको वो सॉल्व करनी होती हैं. सो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन जो है आप तभी सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू डू प्रैक्टिस क्वेश्चन. अगर आप मॉक टेस्ट पेपर अच्छे से लगा रहे हैं, अगर आप डेली 2 से 3 मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं, यू कैन ईजिली सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन. आपके 10 मार्क्स पूरे आपको मिल जाते हैं फॉर DI अगर आप सॉल्व कर रहे हैं. आपसे रेशियो में क्वेश्चन आता है, फॉर एवरेज दे आस्क इन सब्सट्रैक्शन फॉर्म ऑल्सो. सो DI के आपके आते हैं 5 क्वेश्चन पूरे. देन आता है आपका ब्लड रिलेशंस, नंबर सीरीज एंड कोडिंग डिकोडिंग. अगर आप ये पार्ट देखें अपना, कोडिंग डिकोडिंग का, नंबर सीरीज का, और जैसे आपका हो गया ब्लड रिलेशंस, ये क्वेश्चन आपके हमेशा आते हैं. आप उन टॉपिक्स में ज़रूर फोकस करें जिनके चांसेस आना हमेशा होता है, जो क्वेश्चन हमेशा ही आएंगे. एंड ये 3 पार्ट आपके पेपर में आपको हमेशा मिलेंगे, आपको 4 क्वेश्चन इसमें से. तो आप ये पार्ट कभी मिस ना करें. एंड इसमें भी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अगर आप डेली 3 से 4 प्रैक्टिस करते हैं ब्लड रिलेशंस की, नंबर सीरीज की, कोडिंग डिकोडिंग की, यू कैन ईजिली सॉल्व दीज क्वेश्चंस. एंड सेम फॉर्मूला अप्लाइज फॉर कॉम्प्रिहेंशन. अगर आप ये तीनों पार्ट अगर देखें 5, 6, 7, अगर आप इनकी डेली प्रैक्टिस करते हैं थ्रू मॉक टेस्ट पेपर्स, आप इजीली 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इन योर नेट एग्जाम. और आपके 30 मार्क्स तो यही बन जाते हैं, विच आर वेरी इजी टू ग्रास्प, बिकॉज इसमें आपके सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर्स लगाने हैं. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एंड वैल्यू एजुकेशन एंड दादा साहिब फुलके अवार्ड्स. सो इनसे आपके क्वेश्चन 2 से 3 बन जाते हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें, सो MHRD की 2019 की रैंकिंग्स आ गई हैं, तो आप ज़रूर पढ़ लें, बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है. देन कम्स योर वैल्यू एजुकेशन. वैल्यू एजुकेशन से आपकी डेफिनेशंस आती हैं, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, what do you mean by value education, and उसके top features क्या है, क्या उसका feature नहीं है, आपसे पूछ सकते हैं. Then comes your awards, that is दादा साहिब फुलके awards, जो कि बहुत important है आपके UGC NET exam के perspective से. So यहाँ पर आपके 2 से 3 question हो जाते हैं. Then comes our next point, that is the analogy, deductive method, लॉजिकल रीजनिंग definition, जिसमें आपका आता है lexical, stipulative, आपकी बहुत सारी आ जाती है, कॉजल आ जाता है, आपकी बहुत सारी डेफिनेशंस आती हैं जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें द वर्ड द एनालॉजी की, सो एनालॉजी में आपके आते हैं क्वेश्चंस, आपको एक डेफिनेशन दे देंगे, आपको एक एग्जांपल दे देंगे, एंड आपसे पूछा जाएगा ये एग्जांपल किसका पार्ट है, वेदर इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिडक्टिव और कॉजल, और इट इज़ अ पार्ट ऑफ लेक्सिकल और दिस. तो आपका आंसर हमेशा होगा यही. तो आपको ये टॉपिक पढ़ के जरूर जाना है. देन कम्स योर डिडक्टिव. डिडक्टिव से आपसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपसे पूछा जाता है प्रिमाइसिस के बारे में, आपसे पूछा जाता है अबाउट डिडक्टिव रीजनिंग, जनरल टू पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर टू जनरल इसका पार्ट है या फिर नहीं है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर क्या होता है, आपसे बहुत तरीकों से ये क्वेश्चन आ सकता है. तो आप लॉजिकल रीजनिंग के लिए ये की पॉइंट जरूर पढ़ के जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनालॉजी, देन कम्स योर डिडक्टिव, देन कम्स योर लॉजिकल रीजनिंग डेफिनेशन, जिसमें आपको मैं फिर बता रही हूँ आपका लेक्सिकल, स्टिपुलेटिव, प्रिसिशन, कॉजल, बहुत सारी डेफिनेशन आती हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं. आपको एक डेफिनेशन दे देंगे, आपसे पूछेंगे ये किसको बोला जाता है. सो यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं. देन कम्स योर क्लासरूम कम्युनिकेशन प्लस इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अगर आप देखें आपके कम्युनिकेशन से लास्ट ईयर दिसंबर में क्लासरूम कम्युनिकेशन प्लस इफेक्टिव कम्युनिकेशन से 2 से 3 क्वेश्चन, बल्कि 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं. तो आप ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाएं कि क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या होता है, टीचर का क्या रोल होता है, स्टूडेंट का रोल क्या होता है, प्लस टीचिंग को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए, टीचिंग एड्स क्या होते हैं, टीचिंग एड्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या होना चाहिए, किसकी वैल्यू ज़्यादा है. तो ये 2 टॉपिक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिनके अंदर आप डिटेल में ज़रूर पढ़ें, इनके फीचर्स पढ़ें, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनमें क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या टाइप्स आते हैं. तो आप ये टॉपिक ज़रूर पढ़ के जाएं, जिससे आपके 2 से 3 बल्कि 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इस बार भी एक्सपेक्टेड हैं.
Then comes your formative, summative teaching. अब यहाँ पर आपकी बात आती है teaching, very very important and very scoring topic जो कि आपका teaching aptitude. So teaching aptitude से आपका ये है formative and summative teaching. अगर आप देखेंगे हर साल formative या फिर summative teaching से question जरूर आता है आपसे. Formative teaching आपकी जो होती है आपकी पूरे साल चलती है. अगर आप देखिए class quiz हो गया, आपका projects हो गए, आपके टर्म पेपर्स हो गए, दे आर पार्ट ऑफ योर फॉर्मेटिव टीचिंग. आपकी समेटिव टीचिंग होती है, नाम में ही आप देख लीजिए समेटिव टीचिंग आपकी जो एंड में होती है. तो आप ये टॉपिक्स पढ़ के जरूर जाएं. देन कम्स योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. इसमें आपका आ जाता है लर्नर के क्या फीचर्स हैं, टीचर के क्या फीचर्स हैं, हाउ वी कैन मेक इट इफेक्टिव, इसे हम कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, ये प्रोसेस कैसा है, क्या फीचर्स हैं इसके, हाउ टीचिंग इट्स हेल्प इन दीज थिंग्स. सो इन्हीं के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं जो आपको कवर करना बहुत जरूरी है. इनसे इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं, इनसे आपके 3 क्वेश्चन तो जरूर बनते हैं. देन कम्स योर इफेक्टिव टीचिंग, लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इफेक्टिव टीचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी. इससे क्वेश्चन जरूर आता है हाउ वी कैन गेट इफेक्टिव टीचिंग. इफेक्टिव टीचिंग कैसे आ सकती है, थ्रू टीचिंग एड्स मे बी थ्रू हाउ टीचर इज टीचिंग, क्या क्या उनका पढ़ाने का वे है, प्रोजेक्ट एड्स कैसे हैं. 10 चीजें होती हैं आपको पढ़नी बहुत जरूरी है. तो ये टॉपिक आप टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अगर पढ़ के जाते हैं दी स्पेसिफिक 3 टॉपिक्स, तो आपका नेट इजिली क्लियर हो जाता है. देन कम्स योर लास्ट सेक्शन, दैट इज बेसिक पॉलिटी. आपको ये पॉलिटी जो सेक्शन है ये बहुत ही बेसिक आता है, बिकॉज आप में आपको यहाँ पर अब थोड़े बहुत क्वेश्चन में रिसेंट पे आने लग गए हैं, कमीशन्स के बारे में, कमिटीज के बारे में, क्या अमेंडमेंट आया है. तो इसमें अगर आप देखें तो आपको कुछ ही चीज़ों में ध्यान देना है, क्योंकि पॉलिटी में क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं, कई बार 2 भी आते हैं, कई बार 1 भी आया है, बट इस बार हमें लगता है 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. सो पॉलिटी में आप कमीशंस पढ़ के जाएं, आप इसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाएं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाएंगे, DPSP पढ़ के जाएंगे, शेड्यूल्स पढ़ के जाएं, आप इसमें पढ़ सकते हैं. और पार्लियामेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, PM के बारे में, CM के बारे में, गवर्नर्स हो गए आपके पास, सुप्रीम कोर्ट हो गया. तो ये चीज़ें आप बेसिक पॉलिटी में अगर पढ़ के जाते हैं, एंड वो भी बाय लक्ष्मीकांत, तो आप ईजिली अपने ये 4 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आपके पहले के 5-6 चैप्टर्स में ही सब कुछ है. तो ये इसमें हो गया आपके पॉलिटी सेक्शन में कमीशंस, कमिटीज, फंडामेंटल राइट्स प्लस अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, जो आप जरूर पढ़ें बाय लक्ष्मीकांत. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर लाइक करें. आपकी कोई भी क्वेरीज है, आपको कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें. थैंक यू.